कृष्ण आडवाणी की, जिन्हें 96 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर इसकी खुद जानकारी दी और प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर आडवाणी के साथ अपनी दो तस्वीरों को साझा किया और लिखा, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो पीएम ने यह भी लिखा कि मैंने उनसे बात भी की है, उन्हें सम्मान दिए जाने पर बधाई भी दी। देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता है। उन्होंने जमीनी स्तर से काम शुरू किया था, वे देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आडवाणी बीजेपी के दूसरे नेता 50वें शख्स हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी से पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया जा चुका है। केंद्र सरकार एक साल में 3 लोगों को यह सम्मान दे सकती है। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि अब लाल कृष्ण आडवाणी को दिया जाना है। तो और आपको बता दें कि अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट किया, हमारे वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा से अत्यंत प्रसन्नता हुई। आडवाणी जी आजीवन निस्वार्थ भाव से देश और देशवासियों की सेवा में समर्पित रहे हैं। देश के उप प्रधानमंत्री जैसे विभिन्न संवैधानिक दायित्वों पर रहे, उन्होंने अपने दृढ़ नेतृत्व से देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। ये शब्द है अमित शाह के। आडवाणी जी को भारतीय राजनीति में प्रामाणिकता के मानक तय करने वाले राजनेता के रूप में जाना जाता है। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने देश, संस्कृति, जनता से जुड़े मुद्दों के लिए अथक संघर्ष किया। पार्टी और विचारधारा के प्रति उनके विराट योगदान को शब्दों में समाहित नहीं किया जा सकता। और उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का निर्णय करोड़ों देशवासियों का सम्मान है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज सिटी।